মুভিটা দেখতে যাচ্ছে তাহলে একটাই অনুরোধ যে আপনি মুভি সিনেমা হলে এসে দেখবেন, অন্য কোনো জায়গায় দেখবেন না, কারণ এই মুভির মজাটা আসল মজাটা আপনি এই সিনেমা হলেই পাবেন। এটা কি ব্লকবাস্টার হবে? ব্লকবাস্টার থেকে ও ডাবল ব্লকবাস্টার, কারণ এই মুভিটা সত্যি বলিউড লেভেল মুভিটাকে একটা আনাদার লেভেলে নিয়ে গিয়েছে। কারণ এই মুভিতে আপনি সব রকমের ইমোশনটা পাবেন, এখানে রোম্যান্স আছে, মজাটা আছে, মানে লাভ সিন আছে। শাহরুখ খানের এটা সেরা মুভি 2023 আপনাকে বলে দিচ্ছি। দা এরা অফ এসআরকে স্টার্টস अगेन স্টার্ট নিউ এরা অফ এসআরকে স্টার্ট। পাঠান থেকে যা এক্সপেকটেশন ছিল তার 10 টাইমস বেটার যে আছে মুভিটা যে দিয়েছে জওয়ান মুভিটা। আর বাবার যা এন্ট্রি ছিল, বেটে কো হাত লাগানে সে পেলে বাপ সে বাত কর, अटली कुमार ने शाहरुख खान को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। अब तक के शाहरुख खान को कोई भी इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया था जिस तरह से अटली कुमार ने प्रेजेंट किया। एंड शाहरुख खान का सबसे भयानक लुक, सबसे भयानक लुक आज तक का, ऐसा कभी भी मासी अवतार हम लोगों ने नहीं देखा था जो अटली कुमार ने हम लोगों को दिखाया। अच्छा, व्हाट अबाउट विजय सेतुपति एंड नयनतारा? विजय सेतुपति वाज ऑसम, विजय सेतुपति वाज एन ऑसम, नयनतारा वाज एन ऑसम, बट विजय सेतुपति वाज एन ऑसम, बोथ आर एन ऑसम बोथ। और शाहरुख खान ने बिल्कुल सही कहा है कि वो खुद बॉलीवुड है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलीवुड को बचाने के लिए सिर्फ शाहरुख खान था, शाहरुख खान है और शाहरुख खान रहेगा। आज 57 इयर्स में भी वो एक्शन सीन कर रहे, 57 इयर्स में भी एक्शन सीन कर रहे, क्यों? क्योंकि उसको बॉलीवुड के लिए वो जान देता है, वो असली जवान वो बॉलीवुड का। आपको कैसा लगा, आपका कैमन लगलो बांग्ला बोलते हो? सेरा लेके जाए, सेरा कोनो कथा हबे ना, যাতে কথা হবে না বলেই আর কিছু বলতে পারছি না। মানে প্রথমত আজাদের যে ভূমিকাটা তার সেরা হয়েছে, আর তার বাবা বিক্রম সির রাঠোর আলাদা। বিজয় সেতুপতি আর শাহরুখ খানের মধ্যে কে কাকে টেক্কা দিয়েছে? অবভিয়াসলি বিক্রম সিং রাঠোর বাবা, বাবাই হয়, বাপ বাপ হতা হ্যাঁ। আপনার কেমন লাগলো? আর কেমন লাগলো? শাহরুখ কো হাত লাগানে সে পেলে উসকে ফ্যান সে বাত কর, टॉप क्लास, टॉप क्लास, मजा आ गया। इस मूवी में सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने वाली भी बात है। आपको इस मूवी में बहुत कुछ सिखाया गया है, जैसे हम लोग के देश में करप्शन है, ठीक है, उस करप्शन को ही लेकर ये पूरा फिल्म है। और साथ ही वुमेन एम्पावर को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वुमेन को अपने आप में कमजोर समझती है। इस मूवी को देखने के बाद आप कमजोर नहीं। एक चीज, एनी नेगेटिव पॉइंट्स? नो, देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट्स और नो नेगेटिव एनी एक्शन और नेगेटिव एनी रिव्यूज इन दिस फिल्म। ओके, थैंक यू।